आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपके हेल्थ का पूरा बोझ ढोते हैं अपने कंधों पे। उनके कंधे पर जो बोझ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर। उनकी दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड, काम इतना ज्यादा और उसके उसके एवज में उन्हें हम क्या दे रहे हैं। तो फाइनली एक आंगनवाड़ी वर्कर होने के नाते आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए कि आखिर जो है बिहार से आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने, जो एक प्रोफेसर है, उन्होंने संसद भवन में राज्यसभा भवन में जा करके आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो बातें कही, राइट टू हेल्थ वाले बिल पर जो चर्चा राज्यसभा में चल रही थी उस पर उन्होंने क्या कहा। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो सरकार का बहुत सारा काम लगातार ढो रही हैं और उन पर जो है काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मानदेय कितना मिलता है, बार बार ये चर्चा संसद में होती है, लेकिन इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है नहीं निकलता है वो तो बाद की बात है। लेकिन फिर से बिहार के आरजेडी से बिलोंग करते हुए राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी ने इस पर चर्चा की और साथ में उन्होंने अप्रैल 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रेच्युटी का अधिकार आंगनवाड़ी वर्कर्स को देने का जो फैसला सुनाया था उस पर भी उन्होंने प्रमुखता से बात की कि आखिर सरकार इस पर जो है आगे काम क्यों नहीं कर रही है। देखिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद अपने ICTS के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जानकारी काफी यूजफुल है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोगों के बारे में जो है संसद भवन में कौन से मंत्री या फिर कौन से विधायक किस प्रकार की चर्चा करते हैं। साथ में वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। आई होप जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते हैं, मैं चलते हैं, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। लेकिन चिंता ये सामूहिक होनी चाहिए सर। मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे कई बीजेपी के भी सदस्य और अलग अलग दलों के सदस्य ने आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों की बात की और कहा कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तालियां बजी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अन्य तरह के समारोह हुए। लेकिन सर, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिंदा इंसान है, वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा, सिर्फ उनकी वाहवाही होगी, उससे उनके घर की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपके हेल्थ का पूरा बोझ ढोते हैं अपने कंधों पे। उनके कंधे पर जो बोझ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर। उनकी दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड, काम इतना ज्यादा और उसके उसके एवज में उन्हें हम क्या दे रहे हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कितनी कितना मानदेय, पीनट्स। ये नजरिया आपको राइट टू हेल्थ के विस्तारीकरण और उस गोल तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। मंत्री महोदया हैं, माननीय उपसभापति महोदय, ये जो आंकड़ा है ना, इस आंकड़े का व्याकरण अद्भुत है। मेरी सैलरी, मैं विश्वविद्यालय से लेता हूं, मेरी सैलरी बढ़ी, मान लीजिए इंक्रीमेंट लगता है तो वो बढ़ा एक साल में। अब उस इंक्रीमेंट को आप इन्फ्लेशन के इंडेक्स में देखिए। आप अगर एलोकेशन का रियल टाइम वैल्यू जज करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इट इज टू लिटिल एंड इवन टू लेट। तो आंकड़ों को लेकर के कहेंगे कि यूपीए के दौरान इतना था, हमने इतना बढ़ाया, बाकी इंडाइसेस को सामने रखिए और तब कहिए। और दुनिया के गरीब गरीब मुल्क सर हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमसे गरीब हैं लेकिन हेल्थ में उनका एक्सपेंडिचर हमसे ज्यादा है। अगर हम इस पर चर्चा करें, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बारे में मैंने आपसे कह दिया, सिर्फ इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2022 में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को कहा था एप्लीकेबल करो आंगनवाड़ी सेंटर्स में। ये मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कह रहा हूं। और एक आखिरी टिप्पणी करके खत्म करूंगा, ये जो लाभार्थी है, ये लाभार्थी शब्द बहुत प्रचलित हो गया। आर पीपल आर नॉट आर बेनिफिशियरीज, दे आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, पार्ट ऑफ द पैराडाइम विच इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट में ये लाभार्थी की संज्ञा कि ये लाभार्थी, कोई लाभार्थी नहीं है सर। मैंने बार बार कहा इसी सदन में, बड़े कोई भी पार्टी, आजकल तो कंपटीशन चल पड़ा है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, अरे मुफ्त कुछ नहीं है, उसका टैक्स है, किसी भी फॉर्म में हो आप उसके टैक्स का एक मिनिमम रिलीफ दे रहे हैं, इसको मुफ्त मत कहिए। और ये बेनिफिशियरी के नजरिए से मत देखिए, राइट के नजरिए से देखिए, अधिकार के नजरिए से देखिए। तो फाइनली जरा 2 मिनट रुकिए,
आपने जो पूरा स्पीच माननीय सांसद मनोज झा जी का देखा, तो क्या उन्होंने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए राइट टू हेल्थ के संबंध में जो भी चीजें चर्चा की, जो भी मांग किया, चाहे वो ग्रेच्युटी का अधिकार हो या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर सरकार का इतना बोझ है और ऊपर में जो है सरकार मानदेय पर ध्यान नहीं देती है, क्या यह चर्चा सही थी या नहीं थी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में अगर चर्चा संसद में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी का अधिकार देने के लिए सरकारों को बोला हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस पर आप लोगों का क्या विचार है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट में लाइक करके ही जाइएगा। आप लाइक करते हैं, मैं चलता हूं, मैं आपके लिए ऐसी यूट्यूब वीडियो लेकर के आते हैं। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।